All the students of BCom second semester. So we are heading towards the next topic of the Bailment and Pledge, that is the pledge. So pledge एक तरीके का बेटा, it's a special kind of a bailment contract. है ये bailment जैसा ही है, exactly like a bailment, but it's a special kind of bailment. तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि pledge की definition क्या होती है. According to section 172, the bailment of goods as security for payment of a debt or performance of promise is called pledge. तो इसका मतलब समझते हैं, इसका मतलब क्या है. इसमें भी जिस तरीके से हम गुड्स को बेल करते हैं, गुड्स को बेल करते हैं मतलब एक इंडिविजुअल से एक पार्टी दूसरी पार्टी को गुड्स क्या करती है, डिलीवर करती है. बट फॉर व्हाट पर्पस? एज द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी, गिरवी रखती है कुछ, सिक्योर्ड रखती है. फॉर व्हाट? फॉर पेमेंट ऑफ डेट. ठीक है, किस लिए उस चीज़ को एज अ सिक्योरिटी रखा जाता है? फॉर द पेमेंट ऑफ द डेट, या किसी उधार की पेमेंट के लिए, या किसी परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस के लिए. हम उस पर्टिकुलर काइंड ऑफ बेलमेंट को कहते हैं प्लेज. जिस तरीके से बच्चे बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज होती हैं, दैट इज द बेलर एंड बेली, उसी तरीके से प्लेज और पॉन में, पॉन मतलब इट्स काइंड ऑफ अ प्लेज, नहीं अनदर नेम ऑफ द प्लेज, में भी दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है. बेलर को यहाँ हम क्या कहते हैं? प्लेजर और पॉनर. और बेली को हम यहाँ पे क्या कहते हैं? प्लेजी और पॉनी. इज दैट क्लियर? सो बेलर, आई होप एवरीबडी नो हु इज द बेलर. बेलर इज दैट पर्सन हु डिलीवर्स द गुड टू द अदर पर्सन. और बेली वो इंडिविजुअल है जिसको गुड्स डिलीवर किए जाते हैं. तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू ये चीज़ समझाती हूँ. सो लेट सपोज देयर इज मिस्टर एक्स. मिस्टर एक्स ने 10,000 रुपये बोरो किए मिस्टर वाई से, और बदले में उसने मिस्टर वाई को अपनी वाइफ का जो गोल्ड नेकलेस है वो एज अ सिक्योरिटी रखने को दे दिया. तो यहाँ पर प्लेजर कौन है? प्लेजर इज मिस्टर एक्स, क्योंकि उसने गोल्ड नेकलेस डिलीवर किया किसको? प्लेजी को. प्लेजी कौन है? मिस्टर वाई. फॉर वॉट पर्पज? एज अ सिक्योरिटी, क्योंकि उसने, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से क्या लिया है? उधार लिया है. उस उधार की पेमेंट के लिए एज अ सिक्योरिटी एक गुड को रखा गया है. उस गुड को हम क्या कहते हैं? एज अ, वो जो नेकलेस है, गोल्ड नेकलेस है, दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज. इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द असेंशियल्स ऑफ द प्लेज. अब एक प्लेज के असेंशियल्स क्या है? सबसे पहला, नॉर्मली ये जो प्लेज और हमारा जो बेलमेंट है ये ऑलमोस्ट सेम सेम है. जो प्लेज है इट्स अ काइंड ऑफ, अ स्पेशल काइंड ऑफ बेलमेंट इट सेल्फ. क्लियर? तो प्लेज की असेंशियल क्या है? फर्स्ट असेंशियल इज द डिलीवरी ऑफ द गुड, विच इज़ वेरी वेरी क्लियर दैट कि हमको गुड्स को इसमें डिलीवर करना पड़ता है. अब जैसे कि हमने लास्ट एग्जाम्पल किया, उस लास्ट एग्जाम्पल में हमने क्या किया? मिस्टर एक्स ने गुड्स को डिलीवर किया मिस्टर वाई को, और वो गुड क्या था? वो गुड था हमारा गोल्ड नेकलेस. नेक्स्ट इज द डिलीवरी ऑफ द गुड बाय वे ऑफ द सिक्योरिटी. अब गुड्स को क्यों डिलीवर किया गया है? उसको एज अ सिक्योरिटी रखने के लिए उन गुड्स को डिलीवर किया गया है. एंड थर्ड एसेंशियल इज द डिलीवरी ऑफ द गुड फॉर सिक्योरिंग अ डेट. और वो जो गुड की डिलीवरी करी गई है वो किस, क्यों सिक्योरिटी रखा गया है? टू सिक्योर अ डेट, क्योंकि उसमें उधार दिया जाता है, डेट दिया जाता है. जब हम किसी चीज को एज अ सिक्योरिटी रखते हैं तो वी एंटर इन टू द प्लेज. Now coming towards the rights of the pledgee. And who is pledgee? Pledgee is bailee. वो individual, वो party जिसके पास goods गिरवी रखी गई हैं. ठीक है? तो first right क्या है pledgee का? The first right is the, yes. So we were doing the right of the pledgee. So first right is the rights of retainer. मतलब कि जिस तरीके से हमने बेलमेंट में पढ़ा था कि जो बेली है वो बेलर के गुड्स को रिटेन करके रख सकता है जब तक उसको नेसेसरी अमाउंट जो है पे नहीं किया गया, सिमिलरली जो प्लेजी है, प्लेजी भी जो पॉनर के गुड्स हैं उसको अपने पास रिटेन करके रख सकता है जब तक उसको पूरी पेमेंट नहीं की गई है. फॉर एग्जांपल, मिस्टर ए ने अपने ट्रक को प्लेज किया, ही प्लेज्ड अ ट्रक टू मिस्टर बी एज अ सिक्योरिटी फॉर अ डेट. मतलब मिस्टर ए ने कुछ उधार लिया है मिस्टर बी से, बदले में उन्होंने उसको ट्रक रखने के लिए दिया है. तो मिस्टर बी ने उस ट्रक को पब्लिक प्लेस में पार्क किया, पब्लिक गैराज में पार्क किया, और उस पार्किंग का जो भी खर्चा होगा, ठीक है, वो मिस्टर जो बी है वो अपने रिटेन करेंगे अपने ट्रक को, ए के ट्रक को, तब तक रिटेन करेंगे जब तक मिस्टर ए उस ट्रक के पार्किंग चार्जेस तक भी नहीं दे देता. नेक्स्ट इज द राइट ऑफ रिटेनर फॉर द सब्सिक्वेंट एडवांसेस.
सो इस पॉइंट का मतलब ये है कि कई बार मैं आपको इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ. लेट्स सपोज मिस्टर एक्स ने 500 रुपये बोरो किए मिस्टर वाई से और बदले में अपनी मोटरसाइकिल उसको गिरवी रख दी मिस्टर वाई को. तो मिस्टर एक्स क्या करते हैं, कुछ टाइम बाद जबकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज हो गया, वो और 600 रुपये मांगते हैं मिस्टर वाई से और मिस्टर वाई वो भी दे देते हैं. सो इन दिस केस जो मिस्टर वाई है वो अपने पास मोटरसाइकिल तब तक रखेंगे चाहे मिस्टर एक्स ने उनको 500 रुपये पहले 500 रुपये दे दिए हैं, बट उन्होंने सब्सिक्वेंट एडवांसेस और लिए हैं. सब्सिक्वेंट एडवांसेस क्या लिए हैं, वो 600 रुपये. तो जब तक वो 600 रुपये भी वापस नहीं कर देता मिस्टर एक्स, तब तक मिस्टर वाई अपने पास मोटरसाइकिल को रिटेन करके रख सकते हैं. सो नेक्स्ट पॉइंट इज द राइट टू एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्सपेंसेस. सो द नेक्स्ट पॉइंट सेज दैट कि अगर कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्सपेंस होता है, लेट्स सपोज हमने जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा भी था कि एक मिस्टर ए है वो अपना हॉर्स गिरवी रख के जाते हैं मिस्टर बी के पास, तो मिस्टर बी को उनकी हॉर्स की मेडिकल एक्सपेंसेस या फीडिंग एक्सपेंसेस बियर करने पड़ते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्सपेंसेस. तो उन एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्सपेंसेस का राइट भी प्लेजी के पास है उस एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्सपेंस को रिकवर करने का. तो तब तक वो नो डाउट वो राइट टू लीन एनफोर्स नहीं कर सकता प्लेजी, बट हाँ एक अनदर केस फाइल कर सकता है पॉनर के अगेंस्ट फॉर रिसीविंग बैक द एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्सपेंसेस. सो द नेक्स्ट राइट इज द राइट वेयर द पॉनर मेक्स द डिफॉल्ट. अब जो पॉनर है जिसको हम प्लेजर कहते हैं, अगर उसने कोई गलती करी है पेमेंट करने में, क्योंकि प्लेजी का मेन जो फीचर ही ये है कि इसमें पैसे उधार लिए जाते हैं और बदले में गुड्स को गिरवी रखा जाता है, तभी प्लेजी कॉन्ट्रैक्ट बनता है. तो इन दैट केस अगर जो हमारा प्लेजर है वो अपने पेमेंट जो है उसने पैसे जो उधार में लिए हैं वो उस उधार को वापस नहीं करता, तो उस केस में हमारे जो प्लेजी का फुल राइट बनता है कि वो उसको सू कर सके, केस फाइल कर सके, या फिर उन जो भी गुड्स उसने गिरवी रखे हैं उन गुड्स को फर्दर सेल कर सके. सो नेक्स्ट इज़ दी ड्यूटीज़ ऑफ दी प्लेजी. अब क्या क्या ड्यूटीज़ बनती है प्लेजी की, प्लेजी की ये ड्यूटी बनती है कि जो गुड्स उसको डिलीवर किए गए हैं वो उसकी रीजनेबल केयर करे. नेक्स्ट नॉट टू यूज़ दी गुड्स ऑफ प्लेज्ड, मतलब जो गुड्स उसको डिलीवर किए गए हैं वो उन गुड्स का इस्तेमाल ना करें. नेक्स्ट टू हैंड ओवर द गुड्स टू दी पॉनर, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब उसको उसका पैसा वापस मिल गया है तो वो सारे पैसे मिलने के बाद जो गुड है वो उसको वापस पॉनर को दे. यस, नेक्स्ट आर दी राइट्स ऑफ दी पॉनर. पॉनर वो इंडिविजुअल है जिसने पैसे उधार में लिए और बदले में कुछ गुड्स गिरवी रखे हैं प्लेजी के पास. तो पॉनर के राइट्स क्या रहते हैं, राइट टू रिडीम इन केस ऑफ द डिफॉल्ट. इफ एनी ऑफ द डिफॉल्ट अराइजेस, तो पॉनर के पास ये पूरा हक है कि वो अपने गुड्स को वापस रिडीम कर सके. नेक्स्ट इज दी राइट टू एनफोर्स दी पॉनी फॉर द रीजनेबल केस. इन दिस पॉइंट इट स्टेट्स दैट कि जो पॉनर है, जो प्लेजर है, वो पूरा एक्सपेक्ट कर सकता है, ही कैन आस्क फॉर द रीजनेबल केयर फॉर द गुड्स प्लेज, क्योंकि जो उसने गुड्स को रखा है गिरवी फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, तो ये जो प्लेजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसकी प्रॉपर केयर करे. अगर वो उसकी प्रॉपर केयर नहीं करता और प्लेजर को कोई लॉस होता है विद द नॉट गुड एटीट्यूड ऑफ द प्लेजी, तो इन दैट केस ये पूरा राइट बनता है पॉनर का कि वो उन लॉसेस के लिए अपनी भरपाई करवा सके. नेक्स्ट इज द राइट टू प्रोटेक्ट एज द डेटर. सो इट इज़ द राइट ऑफ द पॉनर कि डेटर वो इंडिविजुअल होता है जिसको हमने वापस हमने जिसको पैसे गिरवी रखे और वो हमें वापस वो पैसे देगा. तो ही हैज़ फुल राइट्स ऑफ द डेटर, जो डेटर के राइट्स फॉलो होते हैं. नेक्स्ट इज द राइट टू एक्रीशन. सो इन दिस द एक्रीशन मीन्स कि अगर जो भी गुड्स डिलीवर किए गए हैं और उन गुड्स में कोई एडवांसमेंट आ जाती है, इंक्रीज आ जाता है, तो इन दैट केस जो इंक्रीज भी होगा वो भी उनको वापस करना पड़ेगा. जैसे कि हमने लास्ट टाइम एक एग्जांपल करी थी काओ की, कि काओ को गिरवी रखा गया है, मिस्टर ए ने पैसे लिए उधार के 5,000 रुपये और बदले में अपनी काऊ गिरवी रखी, और जब उसने पैसे वापस किए तो काऊ का एक काफ हो गया था, बेबी हो गया था. तो जो हमारा प्लेजी होगा उसको काऊ तो वापस करनी ही पड़ेगी, साथ ही साथ जो काफ हुआ है उसको भी वापस करना पड़ेगा. नेक्स्ट आती ड्यूटीज ऑफ दी पॉनर. सो फर्स्ट इज टू डिस्क्लोज दी फॉल्ट. तो ये पॉनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सारे के सारे जो भी फॉल्ट्स जो गुड्स वो डिलीवर कर रहा है उसमें है उसको प्रॉपर तरीके से डिस्क्लोज करे. इसके बारे में हम बेलमेंट में भी पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट इज दी टू कंपनसेट फॉर दी डिफेक्टिव टाइटल. अगर इफ
in case the goods which is delivered it is not right, जैसे कि हमने horse वाला example किया हुआ था, सबको पता है उस example के बारे में कि A ने B को horse दिया रखने के लिए, गिरवी रखा let's suppose, और ये नहीं बताया कि जो वो horse है वो vicious है, मतलब he is not mentally right, तो Mr. B जो है वो घोड़े से गिर जाते हैं क्योंकि उसके proper उसके बारे में information नहीं दी गई थी, तो जो भी loss होगा तो वो duty बनती है owner की कि वो पूरा का पूरा loss bear करे. Next is to meet the obligation on stipulated date. Stipulated date का मतलब क्या है? जब हम किसी individual से उधार लेते हैं तो हमको कुछ particular time के बाद वो उधार वापस करना पड़ता है, तो ये पॉनर की duty बनती है कि जो उसने उधार लिया है वो stipulated date मतलब the decided date पर अपने पैसे वापस दे और अपना good जो उसने गिरवी रखा है उसको वापस ले. Next is to compensate the pawnee for any extraordinary expense incurred by him. तो next is the duty of the pawner itself कि अगर pawnee ने कोई भी खर्चा किया है आपके goods की देखभाल करने के लिए तो वो जो भी extraordinary expense होगा उसकी duty बनती है pawner की कि वो pawnee को वो goods deliver करे. I hope the chapter is entirely clear to everybody. If any of the doubt arises, please let me know in the group. Thank you.